दोस्तों नमस्कार, ये हमारे बेडरूम प्लानिंग की दूसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम जो बेडरूम में फर्नीचर यूज़ करते हैं उनकी डायमेंशंस देखेंगे, क्योंकि दोस्तों बेडरूम की जो साइज़ होती है वो डिपेंड होती है उस बेडरूम को कितने लोग यूज़ करने वाले हैं उनके हिसाब से हमें उसमें फर्नीचर ऐड करनी होती है। उसी के साथ सर्कुलेशन स्पेस भी हमें कंसिडर करना होता है। इन सब को कंसिडर करके हमें बेडरूम की साइज़ डिसाइड करनी होती है। तो इसीलिए बेडरूम में हम जो फर्नीचर यूज़ करते हैं उनकी साइज़ का हमें पता होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने बेडरूम में हम जो फर्नीचर यूज़ करते हैं उनके प्लान्स, उनकी डायग्राम यहाँ पर बनाई है। यहाँ पर ये हमारा क्वीन साइज़ बेड है। इसकी जो विड्थ है वो हमारी 5 फीट है और इसकी लेंथ है 6 फीट 9 इंच। उसके बाद ये हमारा किंग साइज़ बेड है। इसकी जो चौड़ाई है ये 6 फीट 4 इंच है और इसकी जो लंबाई है ये है 6 फीट 9 इंच। इसके बाद ये हमारा कैलिफोर्निया किंग साइज़ बेड है। इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 6 फीट और इसकी जो लेंथ होती है वो होती है 7 फीट। इसके बाद ये जो हमारा बेड है इसकी विड्थ है 3 फीट 3 इंच और इसकी लंबाई है 6 फीट 3 इंच। इसके बाद ये जो हमारा बेड है इसकी विड्थ है 3 फीट 3 इंच और इसकी लंबाई है 6 फीट 8 इंच। इसके बाद इस बेड की जो चौड़ाई है वो है 4 फीट 6 इंच और इसकी लंबाई है 6 फीट 6 इंच। ये हमारा नाइट स्टैंड बेड साइड टेबल है जिस पर हम लैंप रखते हैं बेड के साइड में, जो हमारा टेबल होता है वो। इसकी जो लेंथ होती है ये 1 फीट से लेकर 2 फीट 6 इंच तक इसकी लेंथ होती है। इसकी विड्थ होती है 1 फीट 4 इंच से लेकर 1 फीट 9 इंच तक इसकी विड्थ होती है। इसके बाद में यहाँ पर ये हमारे ड्रेसर्स और चेस्ट ऑफ ड्रावर्स हैं। ये जो हमारा चेस्ट ऑफ ड्रावर्स है इसमें 4 ड्रावर्स हैं। इसकी जो विड्थ होती है वो होती है 1 फीट 6 इंच से लेकर 1 फीट 8 इंच और इसकी जो लंबाई है वो 5 फीट है और इसकी हाइट है 2 फीट 6 इंच। ये जो हमारा चेस्ट ड्रावर है इसमें 6 ड्रावर्स हैं। इसकी विड्थ सेम होती है, इसकी लंबाई 6 फीट है। उसके बाद ये हमारा जो चेस्ट ड्रावर है इसमें 10 ड्रावर्स हैं और इसकी लंबाई है 6 फीट 4 इंच, हाइट है 3 फीट 9 इंच। इसके बाद ये हमारा टॉल ड्रावर्स है, इसकी हाइट ज़्यादा होती है। इसकी लेंथ 1 फीट 6 इंच है और विड्थ भी 1 फीट 6 इंच है और इसकी हाइट है 4 फीट 7 इंच। इसके बाद ये हमारा डेस्क है, इसकी विड्थ होती है 1 फीट 6 इंच से लेकर 2 फीट 6 इंच और इसकी जो लंबाई होती है वो 3 फीट से लेकर 4 फीट 6 इंच तक इसकी लंबाई होती है। तो ये है हमारी चेयर। इसकी लेंथ और विड्थ 1 फीट 6 इंच है और हाइट भी 1 फीट 6 इंच है। इसके बाद ये हमारी ब्लैंकेट चेस्ट है, इसमें हम ब्लैंकेट्स रखते हैं। इसकी लंबाई होती है 3 फीट से लेकर 4 फीट 3 इंच और इसकी जो चौड़ाई होती है वो 1 फीट 6 इंच से लेकर 1 फीट 8 इंच तक इसकी चौड़ाई होती है। इसके बाद ये हमारी वार्डरोब्स और अलमारीज हैं। इसकी जो विड्थ होती है ये 1 फीट 8 इंच से लेकर 2 फीट तक इसकी विड्थ होती है और इसकी जो लंबाई है वो 2 फीट 6 इंच से लेकर 4 फीट 6 इंच तक इसकी लंबाई होती है और इसकी लंबाई हम वेरी भी कर सकते हैं। इसकी जो हाइट होती है वो 5 फीट से लेकर 7 फीट तक इसकी हाइट होती है। इसके बाद ये हमारा रोलिंग गारमेंट रैकेट है, इसकी चौड़ाई 2 फीट है और इसकी लंबाई 5 फीट 3 इंच है। तो ये रही सारी हमारी फर्नीचर की डिटेलिंग्स। तो कैसी लगी ये वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।